चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 20। अभी तक हम लोग 19 पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोग 20 पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए तो हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी। इस 3 डॉट के बगल में होता आई बटन, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स एकदम हलवा की तरह पढ़ाई है, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाई है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज को देखने में। आज का हमारा टॉपिक है विनिमय दर को लेकर के, इसकी हम इम्पैक्ट को देखेंगे, मतलब इसका प्रभाव क्या होता है इसी को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने सुना होगा $1 बराबर कभी 60 रुपये होता था, फिर $1 बराबर कभी 70 रुपये हो गया, फिर इसी तरह ही कम ज़्यादा होता रहता है, $1 बराबर कभी 75 रुपये हो जाता है, या फिर एक कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसी इम्पैक्ट को आज हम लोग देखेंगे कि हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोगों ने बाहर से बहुत सारा लोन लेके रखा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे देश का जो बेरोजगारी है और अन्य चीज़ें हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये टॉपिक है बहुत ही विस्तृत होने वाला है और बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा एक तरह से। तो हम लोग चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम लोग किस किस टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ओके, डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 4 शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत होगा यहाँ पर। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, तो आप लोग पहले समझ लीजिए इसको। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज रहे ना तो आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन के डिमांड नहीं समझेंगे, क्वेश्चन के डिमांड नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, गलत कर देंगे। तो पहले आप लोग इसको समझिए, जैसे ये हमारा देश है, ओके, इंडिया है। अब इंडिया की कोई ना कोई तो मुद्रा होगी ना, क्या होगी, मुद्रा होगी ना, हमारे देश की जो करेंसी है मतलब मुद्रा है वो कौन सी है, रुपया है। तो रुपया क्या है हमारे लिए, ये किसके लिए, हमारे लिए क्या है, एक घरेलू मुद्रा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक करेंसी, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक करेंसी, ओके। तो जो रुपया है ये हमारे लिए घरेलू मुद्रा है, लेकिन अन्य देशों के जो नागरिक हैं उनके लिए विदेशी मुद्रा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो घरेलू मुद्रा है। कैसे, अब इसको याद कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो जैसे कि 2 जानवर होते हैं, एक जंगली जानवर होता है, दूसरे घरेलू जानवर होते हैं, जिनको डोमेस्टिक एनिमल भी बोलते हैं और हिंदी हिंदी में उसको बोलते हैं घरेलू जानवर, ओके, घरेलू जानवर या पालतू जानवर आप लोग बोलते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया हमारा घर है ना, इंडिया हमारा घर है, तो इसी जो इंडिया की जो करेंसी होगी वो हमारी घरेलू मुद्रा होगी ना, क्योंकि इंडिया हमारा घर है, इसीलिए इंडिया की जो करेंसी होगी वो हमारी घरेलू मुद्रा होगी, ओके, घर की करेंसी होगी। तो इसी तरह अन्य देश भी तो होंगे, इसी तरह अन्य देश भी हैं, ओके, तो इनकी भी तो कोई मुद्रा होगी ना, इनकी भी कोई करेंसी होगी, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये फॉरेन करेंसी है, मतलब विदेशी मुद्रा है, ये हमारे लिए विदेशी मुद्रा है, जैसे कि टका हो गया, यूरो, येन, ये सारी क्या है, हमारे लिए विदेशी मुद्राएं हैं, सभी देशों की अपनी एक मुद्रा होती है, ओके, तो ये हमारे लिए क्या होगी, विदेशी मुद्रा होगी। इसी तरह अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, इधर यूएसए है, देखिए इसको अच्छे से समझिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाली स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज होने वाला है, ओके। जैसे हम अपने देश से कोई भी गुड्स होती है, कोई भी गुड्स होती है, अगर हम अपने देश से इसको बेचते हैं और दूसरे देश में भेज देते हैं, मतलब इसका व्यापार कर रहे हैं, अपने देश से इसको भेज रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं और दूसरे देश में इसको भेज रहे हैं, ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया, क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्यात, इसको अच्छे से समझिए, ये क्या हो गया, हमारे लिए निर्यात हो गया, ओके। अगर हम किसी देश से कोई भी वस्तु मंगाते हैं अपने देश के अंदर तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट मतलब आयात। अब इसको याद कैसे रखना है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि हम चीज भेज वापस मतलब बाहर भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए जब हम अपने देश से किसी भी गुड्स को क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं ना, बाहर कर रहे हैं ना एक तरह से, ओके। तो अब देखिए ये वर्ड किससे मिलकर बना है, 2 वर्ड से, एक एक्स प्लस पोर्ट, तो एक्स का कुछ तात्पर्य ऐसे लग रहा है ना, एग्जिट, ओके, किससे लग रहा है, एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एग्जिट डोर, तब बाहर जाने का रास्ता, तो इसी तरह जब हम अपने जो भी कोई गुड्स है या फिर सर्विसेज है उसको बाहर भेज रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्स से थोड़ा रिलेटेड है एग्जिट और पोर्ट से, मतलब पोर्ट तो होता ही है,
रखोगे तो एक्सपोर्ट आप लोग इससे याद रख सकते हैं। अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और इसको याद करना चाहते तो इसका भी मैं एक ऐसे ट्रिक बता देता हूँ, आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट। ओके, तो इम से थोड़ा सा रिलेट हो रहा है इन, जैसे हम लोग कहते हैं तो शर्ट इन कर लो, आपकी बाहर हो गई है, तो इनका मतलब क्या है, कोई भी गुड्स है हम उसको अपने अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं ना, मतलब उसको इन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इम्पोर्ट। ओके, इनसे थोड़ा रिलेट हो रहा है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या बात की, एक घरेलू मुद्रा यानी कि डोमेस्टिक करेंसी, दूसरा हम लोगों ने बात की फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी मुद्रा, तीसरा हमने बात किया निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, चौथा हमने बात किया इंपोर्ट मतलब आया। इन चार शब्दों को एकदम खोल के पी जाना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज हो गए तो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ। और देखिए जो प्रभाव है इसको हम दो भागों में बांट करके देखेंगे, नंबर एक जब जो विदेशी मुद्रा है जब ये मजबूत हो जाती है, और दूसरा जब विदेशी मुद्रा कमजोर हो जाती है। ओके, अब देखिए विदेशी मुद्रा मजबूत कैसे हो रही है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, विदेशी मुद्रा आखिर ये मजबूत कैसे हो रही है। इसका मतलब है अगर विदेशी मुद्रा के रूप में हम डॉलर को लें सिर्फ, तो डॉलर हमारे देश में जब कम आता है, क्या आता है, कम आता है, तभी मजबूत हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार जिसकी संख्या कम है वो मजबूत कैसे है, अब आप लोग ऐसे कभी कॉन्सेप्ट इससे लगा लिए तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे, जैसे दो से भले चार। ओके, दो से भले चार, तो चार लोगों की पावर ज्यादा हो गई ना, चार लोगों की पावर ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर अगर कम है तो वो स्ट्रांग रहेगा मतलब मजबूत रहेगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा। इसके लिए आपको एक दूसरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, और ये काफी मजेदार है, आपको काफी यूज भी होगी लाइफ में, इसका फॉलो भी करिए तो आपको काफी मजा आने वाला है। ओके, मानते हैं इधर ये ससुराल है, अब कुछ लोग कहते होंगे अभी तो हमारे ससुराल नहीं है, तो मान लीजिए आज आप अपने ससुराल जा रहे हैं, ओके, या फ्यूचर में आपका होगा वहां जाएंगे, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इधर आप हैं। ओके, अब देखिए आप ससुराल में सिर्फ साल में एक बार जा रहे हैं, कितना, साल में एक बार जा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है, आपको एकदम फील आएगा जैसे कि आप कोई राजा हो, कोई किंग हो, आपको एकदम फाइव स्टार वाली रेटिंग मिलने वाली है, मतलब सर्विस मिलने वाली है, कोई आपकी ऐसे हवा करेगा, एसी चल रही होगी या फिर कूलर चल रहा होगा, फिर भी सासू माँ पूछेंगे गर्मी तो नहीं लग रही बेटा। ओके, और सालियाँ होंगी ऐसे पंखा डुला रही होंगी, कोई कपड़े आपके रख रहा होगा, कोई खाना लेके आ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, एकदम मस्त एकदम घर होगा, एकदम साफ होगा, एक एक तकिया होगी एकदम साइड से रखी हुई होगी, आप सोचेंगे वाह क्या मजा है। लेकिन आप देखिए आप फिर बोले कि यार बहुत हमारी यहाँ पर खातिरदारी होती है, चलो दोबारा चलते हैं, 56 प्रकार का यहाँ पर भोजन मिलता है, आप हर महीने चले जाते हैं, महीने में आप चले जाते हैं, फिर क्या होगा, अब महीने में आप चले जाते हैं तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, जो वैल्यू आपकी बहुत हो रही थी ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, जब आप ज्यादा बार जाएंगे मतलब मंथ में आप लोग एक बार जाने लगे तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से एक बार खटिया लगा दिया जाएगा, दो तीन तरह के पकवान, पहले आपको 56 तरह के पकवान मिल रहे थे, अब ये आप साली जी हवा नहीं करेंगे, पास में बैठ के बातें करेंगे। ओके, लेकिन अब आप क्या सोचे कि यार मैं डेली दिन में दो चार बार चला जाता हूँ, अब क्या होगा, अब तो भाई तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल नहीं होने वाली, जब आप दिन में दो चार बार जाएंगे तो अगर खिचड़ी बनी होगी ना वही बना के खिला देंगे, कहेंगे बेटा खा लो। ओके, अब वो ये भी नहीं कहेंगे बेटा और कुछ आपका मन है खाने का, कहेंगे भाई खिचड़ी बनी है खा लो, तो आप लोग क्या करिए कम चाहिए, आपकी खातिरदारी होगी, एकदम फाइव स्टार वाली आपको सर्विस मिलने वाली है, मजा आने वाला है, तो इसको अपने लाइफ में इसको अप्लाई भी करिए। ओके, तो क्या हुआ, इसी का तत्पर आप देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, स्टोरी से थोड़ा बाहर आइए, अब देखिए इसी तरह डॉलर था, जिस तरह आप ससुराल में जब कम जा रहे थे, इसी तरह डॉलर जब हमारे देश में कम आता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, मतलब उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्यों, क्योंकि वो कम आ रहा है ना, जिस तरह आप ससुराल में साल में एक बार जा रहे थे, इसी तरह जब डॉलर हमारे यहाँ बहुत कम आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इसी तरह जब डॉलर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आने लगता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ओके, क्या उसकी वैल्यू होगी, वो कम हो जाएगी, जैसे आप महीने में दो चार बार जाने लगे, फिर दिन में दो चार बार जाने लगे, तो आपकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, डॉलर जितना ज़्यादा हमारे देश में आएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ओके,
अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये डॉलर है ये कम हो रहा है, ओके, ये मजबूत हो रहा है तो इसको हम कम कैसे करें, और ये यहाँ पर कमजोर हो गया तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कैसे बढ़ाएं, तो ये भी हम बात करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इस पर हम क्या किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ प्रभाव पर भी फोकस करेंगे, मतलब जो इम्पैक्ट है सिर्फ इम्पैक्ट पर हम फोकस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम इसको कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये टॉपिक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा है ये मजबूत हो गई। ओके, इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, $1 बराबर पहले ₹10 था, $1 बराबर पहले ₹10 था। अब क्या हुआ, यहाँ पर विदेशी मुद्रा मजबूत हुई ना, अब $1 को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, कितने की मानते हैं, ₹100 की आवश्यकता हुई। अब देखिए इस स्थिति में क्या हुआ, अब इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा, अब हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। तो इससे आयात है, मतलब आयात का मतलब आप लोग समझ गए, मैंने इसीलिए आपको बताया था, आयात का मतलब हम अपने देश में कोई चीज मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने देश में कोई चीज मंगा रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अब महंगी कैसे हो जाएगी, अब देखिए पहले पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में था कि हमें, हम जैसे कोई चीज बाहर से मंगाएंगे तो हमें किस में खरीदना पड़ेगा, डॉलर में खरीदना पड़ेगा, रुपया तो नहीं चलता ना बाहर, बाहर क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो डॉलर हम पहले खरीदेंगे, फिर इस डॉलर से ही तो कोई चीज खरीदेंगे। तो मानते हैं $1 में 1 kg सेब मिल जाता था, तो पहली कंडीशन में क्या हुआ, हमें सिर्फ ₹10 हम ले गए, $1 लिया, $1 से हमने 1 किलो सेब ले लिया। लेकिन इस कंडीशन में देखिए अब क्या हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, मजबूत का मतलब अब $1 खरीदने के लिए हमें ₹100 की आवश्यकता पड़ेगी, और सेब क्या है, सेब अभी भी $1 का ही मिलेगा 1 किलो, तो आपको अब $1 खरीदना है पहले, फिर आपको सेब मिलेगा, तो इस $1 को खरीदने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, ₹100 देना पड़ेगा। अब आपने ₹100 दिए, फिर आपको 1 kg सेब मिलेगा, अब इस सेब को आप क्या करेंगे, अपने देश में लेके आएंगे। तो पहली कंडीशन में आपको सिर्फ ₹10 में 1 किलो सेब मिल रहा था, ₹10 में 1 किलो सेब मिल रहा था, अपने देश में ले आ रहे थे। अब दूसरी कंडीशन में आपको ₹100 खर्च करने पड़ रहे हैं इसी 1 किलो सेब को खरीदने के लिए, जिस पर पहले ₹10 खर्च करने पड़ रहे थे। तो क्या हुआ, इससे आयात महंगा हो गया ना, पहले जो चीज हम ₹10 में मंगा ले रहे थे, अब उसे हमें मंगाने के लिए, उतनी ही क्वांटिटी में मंगाने के लिए हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो इससे क्या हुआ, आयात महंगा हो गया ना। अब देखिए कोई कोई भी दुकानदार है या कोई भी है, उसने पहले 1 किलो सेब ₹10 में मंगाया था, ओके, तो वो कितने में बेचेगा, थोड़ा प्रॉफिट के लिए ₹12 का या फिर ₹15 का बेचेगा ना। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, जब वो ₹100 का मंगाया, 15-20 का तो थोड़ी ना बेचेगा, थोड़ा प्रॉफिट में ही बेचेगा ना। अब वो 1 किलो सेब कितना का बेचेगा, दूसरी कंडीशन में वो 105 का या फिर 110 का बेचेगा ना। तो क्या हुआ, इससे प्राइस बढ़ गए ना, इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे जो विदेशी मुद्रा मजबूत होगी, जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कैसे, प्राइस बढ़ते हैं, जब लगातार प्राइस में वृद्धि होती है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ओके, तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, वो मजबूत होती रहेगी, हमें चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जब दुकानदार ज्यादा पैसे में कोई चीज दूसरे देशों से मंगाएंगे तो वो ज्यादा रुपए पर ही बेचेंगे ना, उसकी प्राइस बढ़ाएंगे ना, जब प्राइस लगातार बढ़ते हैं तो इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इसलिए मैंने आपको पहले इन्फ्लेशन पढ़ा दिया है, दोबारा मैं आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाने वाला, इसीलिए सारी वीडियो वन बाई वन देखिए। तो क्या हुआ, जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है ना, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो भी मैंने ग्रीन कलर से अब लिखूंगा वो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब आयात महंगा हो जाएगा, जब आयात महंगा हो जाएगा तो क्या हुआ, नंबर एक प्राइस बढ़ने लगेगा, और दूसरा क्या होगा, गुड्स यानी कि वस्तुओं की कमी पड़ने लगेगी ना। अब देखिए पहले हम ₹10 में मंगा ले रहे थे 1 किलो सेब, और फिर हम ₹100 में 10 किलो मंगा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे ₹100 सिर्फ 1 kg में खत्म हो गए, तो हम क्या कहेंगे, भैया थोड़ा कमी सेब दे दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की कमी पड़ेगी ना, जब वस्तुओं की कमी पड़ेगी तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ना। क्यों, देखिए ये हमारा देश कैसा है, विकासशील है, हमारा देश कैसा है, विकासशील है, हम अभी आत्मनिर्भर नहीं है, हम क्या नहीं है, हम आत्मनिर्भर नहीं है, जब हम आत्मनिर्भर नहीं है
तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, हम दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं। अब देखिए आयात यहाँ पर महंगा हो जा रहा है, तो दूसरे देशों से हम वस्तुएं नहीं मंगा पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की कमी हो जाएगी। अब जब वस्तुओं की ज्यादा कमी होगी तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो जो पुअर लोग होते हैं उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना। मैं पहले ही बताया इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट गरीबों पर ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए पहला आपने अगर इन्फ्लेशन पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपको आईएएस और पीसीएस क्वालिफाई करना है तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए, जब आयात महंगा होगा तो हम चीजें कम मंगा पाएंगे, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हमारा कोई भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होना होगा तो हम क्या कहेंगे, जो हम आयात करते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी ना, निर्भरता कम हो जाएगी तो हमारा इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, तो कितनी भी विदेशी मुद्रा है वो कितनी भी मजबूत हो जाए हम पर फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। और दूसरा देखिए, बाह्य ऋण बढ़ने लगता है, बाह्य ऋण बढ़ने लगता है, ये कैसे होता है। अब देखिए ये भी समझ लीजिए कि बाह्य ऋण कैसे बढ़ने लगा, कि हमने जितना ऋण लिया था उससे ज्यादा कैसे हो गया, ये भी समझ लीजिए। जैसे पहले $1 बराबर 10 रुपए था, अब फिर $1 बराबर 100 रुपए हो गया। अब सोचिए जब हमने लोन लिया था उस समय $1 10 रुपए के बराबर था, तो हमने $1 लिया, अब हम उसे अपने देश में खर्च कर रहे ना, तो हमने उसको 10 रुपए में कन्वर्ट किया और इसका निवेश कर लिया या फिर उपभोग कर लिया, कुछ भी कर लिया। लेकिन आप समझिए यहाँ पर विदेशी मुद्रा क्या हो गई, मजबूत हो गई, मजबूत हो गई। अब मजबूत होने की कंडीशन में दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, अब $1 अगर हम इसको लौटा रहे हैं तो लौटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए होने चाहिए ना हमारे पास, लेकिन हमने खर्च कितने किए, 10 ही रुपए खर्च किए उस समय। लेकिन आप समझिए आपको इस ऋण को लौटाने के लिए अब आप 10 रुपए थोड़े ना लौटा लेंगे, लौटा लेंगे क्या, आपने लिया क्या था, आपने डॉलर लिया था ना, तो आपको लौटाना भी क्या पड़ेगा, डॉलर ही लौटाना पड़ेगा ना, क्या लौटाना पड़ेगा, डॉलर ही लौटाना पड़ेगा। तो डॉलर कैसे लौटा लेंगे, पहले इस डॉलर को आपको खरीदना पड़ेगा ना, इस डॉलर को खरीदेंगे तो खरीदने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी ना, तो पैसे आपको अब ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ $1 को खरीदने के लिए। जब पहले आप $1 10 रुपए का खरीद ले रहे थे, लेकिन अब आपको $1 खरीदने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे क्या हुआ, बाह्य ऋण होगा, जो बाह्य ऋण होते हैं वो बढ़ जाता है, जो बाह्य ऋण होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कब, जब विदेशी मुद्रा मजबूत होने लगेगी, जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा मजबूत होगी उतना ऋण हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम जब विदेश से लोन लेते हैं तो हमें वो विदेशी मुद्रा में मिलेगा, और विदेशी मुद्रा में मिलेगा तो हमें उसे लौटाना भी किस में पड़ेगा, विदेशी मुद्रा में ही तो लौटाना पड़ेगा, हम रुपए थोड़ी ना दे सकते हैं। तो हम जब विदेशी मुद्रा खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं ना, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से विदेशी ऋण हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है। और हमारा देश है वो कई बिलियंस ऑफ डॉलर लोन लिया रखा है, तो जैसे विदेशी मुद्रा मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली लोन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऋण बढ़ने लगता है, बोझ होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो हम अगले देखते हैं, लेकिन निर्यात सस्ता होने लगता है। देखिए निर्यात कैसे सस्ता होगा ये भी अच्छे से समझिए, कि पहले $1 बराबर 10 रुपए था, फिर $1 बराबर कितना हो गया, 100 रुपए हो गया दूसरी कंडीशन में। कब, जब डॉलर मजबूत हुआ, जब डॉलर मजबूत हो गया, तो पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। अब देखिए निर्यात कैसे सस्ता हो गया, निर्यात का मतलब क्या है, हम अपने देश से कोई चीज बाहर भेज रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले कोई व्यक्ति था वो विदेश से $1 लेके आ रहा था, अब $1 लेके आ रहा था उसको सिर्फ 10 रुपए मिल रहे थे। ओके, और इस 10 रुपए की वस्तु खरीद के वो अपने देश ले जा रहा था। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो $1 लेके आ रहा है, अपनी जेब में डाल के $1 लेके आ रहा है, अब उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, अब 100 रुपए मिल रहे हैं तो वो ज्यादा चीज खरीद सकता है ना, जो गुड्स से है वो ज्यादा खरीद सकता है ना। जब वो ज्यादा खरीद सकता है, जैसे कि आप समझिए पहले 10 रुपए में 1 केजी सेब मिल रहा था, 1 केजी सेब मिल रहा था, अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, $1 लेके आया उसको 10 रुपए मिले, 10 रुपए का उसने 1 किलो सेब खरीद लिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो $1 लेके आया, $1 में उसको कितना मिला, 100 रुपया मिला, और 100 रुपया में अब उसको कितना सेब मिलेगा, अगर 10 रुपए किलो सेब है तो उसे 10 किलो सेब मिलेगा ना।
अब वो कहेगा यार मुझे $1 में पहले 1 किलो सेब मिला था, अब 10 10 किलो सेब मिल रहा है, तो 2 4 2 डॉलर का और दे दो। तो वो कहेगा कि भैया और दे दो। तो इससे निर्यात क्या हुआ, सस्ता हो गया ना, अब कम रुपए में वो चीजें खरीद पा रहे हैं ना। तो जब कम चीजें खरीद पाएगा तो वो सोचेगा 2 4 डॉलर के और दे दो, और चीजें भेज दो हमारे यहाँ। ओके, तो इससे क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा ना, क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा। लेकिन ये तो अवस्था हमारे लिए अच्छी है ना, ऐसे निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात किसका होगा, किसी गुड्स का ही तो होगा, मतलब वस्तुओं का ही तो निर्यात करेंगे या फिर सेवाओं का करेंगे। यानी कि जब हम गुड्स का निर्यात करेंगे तो इसका हमें प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, मतलब उत्पादन भी तो करना पड़ेगा। जब हम इसका उत्पादन करेंगे तो कहाँ करेंगे, जो कारखाने होंगे, कारखाने होंगे इन्हीं में तो हम इसका उत्पादन करेंगे। अब उत्पादन करेंगे तो हमें इसमें रोजगार की भी तो जरूरत पड़ेगी भैया, हम कैसे करेंगे, यहाँ पर श्रम की जरूरत पड़ेगी ना, रोजगार की जरूरत पड़ेगी। अब इन कारखाने के जो मालिक होंगे इन्हें लगेगा हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसमें निवेश करेंगे। जब निवेश करेंगे तो इससे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा ना, आधारभूत जो संरचना है उसका निर्माण हो रहा है ना, तो ये तो हमारे देश के लिए अच्छा है। अब इन लोगों के लिए रोजगार मिला तो इन लोगों के पास पैसा आएगा ना, इन लोगों के पास क्या आया, पैसा आया, तो ये पैसे का खर्च करेंगे, अपना विकास करेंगे। तो देखिए निर्यात बढ़ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा है। तो अब आप ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब विदेशी मुद्रा मजबूत होती है तो ये तो हमारे देश के लिए अच्छा है ना, इससे रोजगार बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है। जब ऐसी अवस्था आती है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जीडीपी भी तो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। जब जीडीपी बढ़ते बढ़ती है तो हम कहते हैं देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, मतलब आर्थिक विकास भी तो हो रहा है, आर्थिक समृद्धि भी तो आ रही है, तो ये तो हमारे देश के लिए अच्छा है। लेकिन हमारा देश कैसा है, मैंने अभी आपको बताया था, सुनिए हमारा देश कैसा है, विकासशील है, हमारा देश विकासशील है। तो हमारे देश में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब हमें चीजों जो गुड्स हैं उनका अभी भी हमें मंगानी पड़ती है, मतलब उन्हें अपने देश में मंगाना पड़ता है, मतलब आयात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है ना। तो आयात तो यहाँ पर महंगा है ना, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाए, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाए, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाए तो हमें चीजें आयात नहीं करनी पड़ेंगी। जब आयात नहीं करनी पड़ेंगी तो कितनी भी मजबूत हो तो ये तो हमारे पक्ष में होगा ना। अब हमारे देखिए ये तो महंगा हो गया तो इससे हम लोग चीजें नहीं मंगाएंगे, लेकिन हमारे देश से चीजें जा तो रही हैं तो इससे जब जाएंगे तो हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेंगे तो इससे रोजगार का सृजन होगा, निवेश होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश का एक तरह से तो विकास ही हुआ ना, ये तो पॉजिटिव साइन है ना। इसीलिए चीन ने ऐसा ही किया, इसीलिए मैं आपको इस पर ज्यादा फोकस किया था। चीन ने क्या किया, चीन ने जानबूझकर उसने अपने देश की जो मुद्रा थी उसको कमजोर कर दिया, उसने 3 बार अवमूल्यन करके अपनी मुद्रा बहुत कमजोर कर दी, जिससे क्या हुआ, उसका आयात था वो महंगा हो गया और निर्यात सस्ता हो गया। तो इससे क्या हुआ, उसके देश में चीजें आना बंद हो गई, उसके देश में चीजें आना बंद हो गई, तो इससे क्या हुआ, उसके देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगा ना, उसका देश एक तरह से आत्मनिर्भर होने लगा और निर्यात बढ़ा। निर्यात बढ़ने से उसके यहाँ उसके पास ज्यादा डॉलर आया, एक तरह से ज्यादा विदेशी मुद्रा आई, तो वो एक तरह से क्या होने लगा, स्ट्रांग होने लगा, और साथ में उसके देश में ज्यादा मात्रा में रोजगार का सृजन हुआ, क्योंकि वो चीजें डायरेक्ट नहीं मंगा रहा है बल्कि अपने यहाँ उत्पादन कर रहा है। अपने यहाँ उत्पादन करेगा तो रोजगार का सृजन होगा ना, रोजगार का सृजन होगा तो निवेश भी करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा और रोजगार का सृजन हो रहा है तो इससे जीडीपी भी तो बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो हो रही है, तो चीन के लिए लाभ हो गया। चीन के लिए लाभ क्यों हुआ, क्योंकि वो एक तरह से आत्मनिर्भर था, वो एक तरह से आत्मनिर्भर था। लेकिन हम आत्मनिर्भर नहीं है, इसीलिए ये अवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल करते हैं, आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। तो आपने देखा, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, अभी मैं आपको समराइज भी कर दूंगा, अभी देखिए कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। और विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, $1 पहले 10 रुपये मिल रहे थे, फिर $1 था वो 100 रुपये के बराबर हो गया। अब कोई विदेशी लोग $1 लेके आया, उसको 10 रुपये मिले और 10 रुपये का उसने निवेश किया, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, वो $1 लेके आया उसको 100 रुपये मिले, तो वो ज्यादा निवेश कर पा रहा है ना, तो वो सोच रहा है मैं कम कम डॉलर लेके आ रहा हूँ लेकिन निवेश ज्यादा कर पा रहा हूँ, तो वो क्या सोचेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा डॉलर का निवेश करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने निवेश करना चाहेगा ना। तो विदेशी निवेश हमारे यहाँ बढ़ेगा ना, जब विदेशी निवेश बढ़ेगा तो हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा ना, तो हमारे देश का इससे
विकास होगा ना, हमारे देश का विकास भी होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या है, पॉजिटिव साइन, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से हरे रंग से लिखा है। और ये देखिए इस पर हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। किस अवस्था में, जब विदेशी मुद्रा क्या होती है, मजबूत होती है, किसके परिपेक्ष में, हमारे देश की जो घरेलू मुद्रा है उसके परिपेक्ष में मजबूत होती है। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने देख ली, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, देखिए विदेशी मुद्रा इसमें कमजोर हो रही है, इसमें मजबूत हो रही थी, तो इसका अपोजिट इधर कर देंगे तो सेम वही हो जाएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या हो रहा था, आयात महंगा हो रहा था, तो इसमें आयात सस्ता हो जाएगा। अब इसमें देखिए मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, तो इसमें मुद्रास्फीति थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसमें बाह्य ऋण बढ़ रहा था, तो इसमें बाह्य ऋण कम हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव साइन है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या था, इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए निर्यात महंगा होने लगे, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह विदेशी निवेश है, ये भी प्रभावित होगा, कम होगा। तो दो चीजें हैं इन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और दो चीजें हैं इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका था ये अपोजिट था। अगर आप लोग जानना चाहते तो एक बार मैं थोड़ी जल्दी से इसको बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मानते हैं पहले $1 बराबर 10 रुपए था, वही सेम लेते हैं। अब क्या हुआ, डॉलर इस बार कमजोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। ओके, तो $1 था, अब मानते हैं 1 रुपया के बराबर हो गया। आप लोगों के लिए ये समझ में आ जाएगा, हम एक एक डॉलर 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों के मन में ऐसा आता होगा ना कि काश $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तो कितना मजा आएगा, तो मजा नहीं आएगा। आप देखिए $1 अगर 1 रुपए के बराबर हो जाए तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। कैसे, देखिए $1 1 रुपए बराबर हो गया, इससे आयात तो सस्ता हो गया, मतलब आयात सस्ता हो गया। अब क्या हुआ, हम क्या हुआ, 10 रुपए ले जा रहे थे तो हमें पहले $1 मिल रहा था। अब $1 की हम क्या कर रहे थे, 1 किलो सेब खरीद रहे थे, 1 किलो सेब खरीद के अपने देश में ले आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम सिर्फ 1 रुपए में ही $1 खरीद सकते हैं। ओके, $1 में ही 1 रुपए खरीद सकते हैं, मतलब 1 रुपए में ही हम 1 किलो अब सेब ले सकते हैं, 1 किलो सेब ले सकते हैं, और सेब को अपने यहाँ ला सकते हैं। अब हमने सोचा यार पहले तो हम 10 रुपए में 1 किलो सेब ले रहे थे, अब तो सिर्फ 1 रुपए में 1 किलो सेब ले ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करते हैं, अब थोड़ा ज्यादा ही सेब दे दो, 10-15 किलो हमको दे दो। ओके, तो इससे क्या हुआ, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदेंगे विदेश से और अपने देश में लेके आएंगे। तो जब हम अपने देश में लेके आते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं, मतलब इम्पोर्ट, क्या बोलते हैं, आयात, यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, हम चीजों का क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। जब आयात बड़ी मात्रा में करेंगे, तो जब आयात बड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारे देश में होगा, प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि हम चीजों का आयात कर ले रहे हैं। तो जब हम हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो कारखाने हैं, ये बंद होने लगेंगे ना। जब ये बंद होने लगेंगे तो हमारे देश में जो रोजगार है उनका सृजन होगा ना, जब इनका सृजन नहीं होगा तो क्या होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी ना, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना। जब ये दोनों चीजें होंगी तो इससे गरीबी बढ़ेगी ना, क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी ना। जब गरीबी बढ़ेगी तो इससे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गए, ऐसी आधारभूत सुविधाएं हो गई, वो लोग ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का पिछड़ापन हो रहा है। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या, जीडीपी हमारी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी ना। जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक समृद्धि होगी नहीं ना, तो हमारे देश तो एक तरह से चौपट हो जाएगा, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो आयात सस्ता होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हम वैश्विक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम कारखानों का विकास कर रहे हैं ना, हम विकसित देशों से अभी हम लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। उनके कारखाने हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई है, तो उनसे हम प्राइस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि कभी भी $1 1 रुपए के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आयात बहुत बढ़ जाएगा, तो आयात बढ़ जाएगा तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे, हम दूसरे देशों में निर्भर हो जाएंगे। तो हम दूसरे देशों पर निर्भर हो गए, ये देखिए तत्काल रूप से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं, मस्ती से उसको खा रहे हैं,
उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आप देखेंगे लंबे समय में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा देश है दूसरे ऊपर निर्भर हो जाएगा, ना ही हमारे देश में जैसे बेरोजगारी गरीबी एकदम चरम पे पहुंच जाएगी, तो ये बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि अभी 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाए, क्योंकि हम अभी वैश्विक मार्केट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 डॉलर, मैंने आपसे कभी पूछा भी था, 1 डॉलर 1,000 रुपए के बराबर हो जाए और 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाए, ये दोनों कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। ओके, दोनों कंडीशन है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आप लोग समझ गए क्यों अच्छी नहीं है। अब देखिए बाह्य ऋण कैसे कम हो गया, जो मैंने यहाँ पर बताया था उसका अपोजिट कर लीजिए। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे नहीं समझ पाएंगे कि बाह्य ऋण है, बाह्य ऋण कैसे कम हो रहा है। बाह्य ऋण कैसे कम हो रहा है, जब हमने 1 डॉलर पहले लिया था वो 10 रुपए के बराबर था, फिर क्या हुआ, मुद्रा कमजोर हो गई ना, विदेशी मुद्रा क्या हो गई, कमजोर हो गई, मतलब 1 डॉलर बराबर अब 1 रुपया हो गया। अब देखिए क्या हो गई, यहाँ पर कमजोर हो गई। अब इससे बाह्य ऋण कैसे कम हो गया, जब हमने पहले 1 डॉलर लिया था तो उससे हमने क्या लिया था, 10 रुपए लिए थे, और 10 रुपए लिए थे और इस 10 रुपए का हमने उपभोग कर लिया या फिर निवेश कर लिया, कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, विदेशी मुद्रा यहाँ पर कमजोर हो गई। जब विदेशी मुद्रा कमजोर हो गई, अब हमें, हमने लोन किस में लिया था, ऋण हमने डॉलर में लिया ना, तो हमको डॉलर ही लौटाना पड़ेगा, इससे हमें रुपया से कोई मतलब नहीं। तो हमें कितना लौटाना है, 1 डॉलर ही तो लौटाना है, इसमें थोड़ा सा ब्याज भी होगा। तो अब हमें कितना, सिर्फ 1 रुपया में ही हम इस डॉलर को लौटा सकते हैं, मतलब जब हमने इसका उपयोग किया तो हमने 10 रुपए का उपयोग किया, लेकिन अब लौटाना पड़ रहा है तो सिर्फ 1 रुपया ही तो एक तरह से लौटाना पड़ रहा है। हम गए आरबीआई के पास, हमने 1 डॉलर खरीदा और 1 डॉलर हमने जिससे लिया था उसको लौटा दिया, थोड़ा सा इस पे जो ब्याज होगा वो भी हम लौटा देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास लाभ हो गया ना एक तरह से। क्या हुआ, जब हमने लोन लिया था तो 10 रुपए का लोन एक तरह से लिया, लेकिन जब लौटाना पड़ रहा है तो सिर्फ 1 रुपया लौटाना पड़ रहा है। तो एक तरह से क्या हुआ, लोन का अमाउंट कम हो गया ना, तो लोन क्या हो जाता है, एक तरह से कम हो जाता है। ओके, तो आप लोग समझ गए कि बाह्य ऋण होता है वो सस्ता हो जाता है कब, जब विदेशी मुद्रा होती है वो कमजोर हो जाती है तब। ओके, और इसी तरह आप देख सकते हैं कि निर्यात है वो महंगा होने लगेगा, क्योंकि इसके में अपोजिट लगा लीजिए सेम होगा, क्योंकि मुझे बार बार बताऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं, लेक्चर सिर्फ लंबा होगा, तो जो मैंने इधर बताया था उसका अपोजिट करेंगे तो सेम ऐसा ही इसका अपोजिट होगा, आराम से आप लोग लगा लेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से देखिए, मैं आपको एक बार कंपेयर कर देता हूँ। देखिए जब विदेशी मुद्रा है वो मजबूत होगी और साथ में हमारे देश की मुद्रा होगी वो साथ में कमजोर होगी, पहली कंडीशन। जब ऐसी अवस्था होगी जब विदेशी मुद्रा मजबूत हो रही है, तब क्या होगा, आयात है वो महंगा होगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और बाह्य ऋण है वो भी बढ़ेगा। ओके, तो 2 पॉइंट हो गए, और तीसरा क्या है, निर्यात सस्ता होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है, और चौथा क्या है, विदेशी निवेश बढ़ेगा। लेकिन विदेशी मुद्रा है वो कमजोर हो रही है, अगर ये कमजोर हो रही है और हमारे देश की मुद्रा है ये मजबूत हो रही है, तो इससे क्या होगा, जो आयात है वो सस्ता हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और दूसरा क्या है, बाह्य ऋण है ये भी कम हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए जो निर्यात है ये महंगा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना, और ये भी विदेशी निवेश है ये प्रभावित होगा, मतलब कम होगा, लोग निवेश करना नहीं चाहेंगे। जैसे पहले वो आ रहा था 1 डॉलर लेकर के और उसको 10 रुपये मिल रहे थे और वो 10 रुपये का निवेश कर दे रहा था ना कोई व्यक्ति, अब क्या हुआ, डॉलर कमजोर हो गया, 1 डॉलर बराबर अब उससे 1 ही रुपये मिल रहा है, अब वो सिर्फ 1 डॉलर लेके आ रहा है, उसे 1 रुपये मिल रहा है, 1 ही रुपये का निवेश कर रहा है, तो क्या होगा, एक तरह से उससे निवेश कम करना पड़ेगा, वो निवेश नहीं करना चाहेगा ना, क्योंकि उसे कम रुपए मिल रहे हैं, कम रुपए मिल रहे हैं तो उसे यहाँ पर निवेश भी कम मिलने का कम मौका मिल रहा है ना, तो वो निवेश नहीं करना चाहेगा। तो एक तरह से विदेशी निवेश क्या होगा, प्रभावित होगा कब, कब जब विदेशी मुद्रा कमजोर होगी। तो आप लोग समझ गए, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, स्टोरी के फॉर्म में समझाया है, स्टोरी ध्यान रखिए, और साथ में जो मैंने बताया ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आराम से समझाया, तो इसको एक दो बार और देख लीजिए तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, बिल्कुल आपको मजा आएगा, और इसको एक दो बार रिवाइज करते रहिए, की पॉइंट है इस तरह से ये नोट कर लीजिए। अगर आप लोग PPT चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये PPT भी सेंड कर दूंगा। ओके, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को भी लोगों से जोड़ने की कोशिश करें। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, और आप लोगों के लिए
नेक्स्ट वीडियो 10 बजे मिल जाए करेगी। डेली मैं सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं।